हाल फिलहाल मणिपुर में फैले दंगों के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा। और कुछ दिनों पहले वायरल मणिपुर का एक वीडियो जिसने पूरे देश के दिल को दहला करके रख दिया, उसके बारे में भी आप सभी को मालूम होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मणिपुर के इस हालत के पीछे एक फेक न्यूज का कारण है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये शर्मसार करने वाली घटना एक फेक न्यूज फैलने की वजह से हुई है। चलिए इस मुद्दे को शुरू से शुरू करते हैं ताकि इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जान पाए, ताकि आप अच्छे से जान पाए किसका जिम्मेदार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, मीडिया या कोर्ट। लेकिन इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मणिपुर का दंगा दो कम्युनिटी के बीच हो रहा है, मैथीज और कुकीज के बीच में। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत मणिपुर के हाई कोर्ट से हुई। उन्होंने मैथीज कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बात की। मणिपुर हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू सबमिट अ रिकमेंडेशंस टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेटेज इन शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। लेकिन नागा और कुकीज ऐसा नहीं चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर में नागा और कुकीज से ज्यादा मैथीज की जनसंख्या है, जिसके कारण वहाँ के अधिकांश नौकरी और पोलिटिकल पावर मैथीज के पास है। लेकिन अगर मैथीज को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा तो नागा और कुकीज के बचे कुछ नौकरियां भी मैथीज ही ले लेंगे। इसलिए नागा और कुकीज के लोगों ने कहा कि यहाँ 60 एमएलए में से 40 एमएलए अकेले मैथीज कम्युनिटी के आते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी मैथीज समाज की है, फिर इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल होने की क्या जरूरत है। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्राइजेस ऑफ 60 एमएलएस आउट ऑफ व्हिच ओनली 20 आर रिप्रेजेंटिंग द ट्राइबल्स। मैथीज के लोग शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल ना हो इसलिए नागा और कुकीज के लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने लगे। मैसिव प्रोटेस्ट इन मणिपुर चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट टुडे अगेंस्ट द अलेज्ड फोर्सफुल एविक्शन एंड द डिमोलिशन विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। पर यहां पर एंट्री होती है एक फेक न्यूज की, जिसमें ये बताया गया कि नागा और कुकीज के लोगों ने प्रोटेस्ट करते समय मैथीज की एक महिला को मार डाला और प्लास्टिक में उसे लपेट करके फेंक दिया। फोटोग्राफ ऑफ अ बॉडी रैप्ड इन प्लास्टिक, अ यंग वुमन लाइंग नेक्स्ट टू अ सूटकेस, दिस फोटोग्राफ वेंट वायरल इन मणिपुर। लेकिन जब तक इसकी अच्छी तरह से पुष्टि होती तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट एक भयंकर तबाही में बदल गया। लेकिन जब इस फोटो का और इस महिला की अच्छे तरीके से जाँच की गयी तो पता चला की ये महिला और ये फोटो एक साल पहले दिल्ली में हुई एक घटना का। The victim was not from Manipur, she was from Delhi and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2022. लेकिन जब ये सब हो रहा था तो लोगों को लगा कि इस भयंकर तबाही को रोकने के लिए पुलिस कुछ काम करेंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हुआ ये कि वहाँ के 1500 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी रातों रात गायब हो गए। गायब होने के बाद मैथीज कम्युनिटी के जितने भी पुलिस कर्मी थे मैथीज के समाज को सपोर्ट करने लगे और नागा और कुकीज के लोगों के जितने भी पुलिस कर्मी लोग थे और नागा और कुकीज के समाज को सपोर्ट करने लगे। और वहां के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि मणिपुर में अब कोई मणिपुर पुलिस नहीं रहा, बल्कि कुकीज पुलिस हो गए और मैथीज पुलिस हो गए। फिर यहाँ पर एंट्री होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तबाही को रोकने के लिए असम राइफल को भेजा, जो इंडियन आर्मी का एक पार्ट है, उन्होंने उनको भेजा। लेकिन मैथीज के लोग आर्मी पर भरोसा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये सारे फोटेज देखने को मिले। कुकी पॉपुलेशन है वो मेईतेई पुलिस को ट्रस्ट नहीं करती है और जो मेईतेई पॉपुलेशन है वो असम राइफल्स जो कि इंडियन आर्मी का पार्ट है उसको ट्रस्ट नहीं करती है। जब नागा और कुकीज के बंकर में आर्मी के लिए भेजे गए खाने मिले, जिसके कारण मैथीज के महिलाओं ने मणिपुर में असम राइफल को आने से मना कर दिया। इसलिए ना ही आर्मी कुछ कर पाई, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कहाँ था? तो सारे मीडिया इस मुद्दे को छोड़कर सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी, SDM ज्योति मौर्य के अफेयर के बारे में बताने में व्यस्त। लेकिन कुछ जिम्मेदार न्यूज वाले अभी भी थे जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके इस न्यूज को हम लोगों के पास पहुंचाने में सहायक की, जिसमें लल्लन टॉप, इंडिया टुडे, NDTV शामिल था, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर ये न्यूज को हम तक पहुंचाने में सहायक की। पर SDM और सीमा हैदर की लव स्टोरी को छोड़कर जब इस दंगे पर बात करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी मीडिया ने आग में घी डालने की काम की। वो कैसे? तो एक मशहूर न्यूज चैनल ANI ने एक ऐसा न्यूज बना दिया जो वास्तविक में हुआ ही नहीं था। ANI ने एक ट्वीट किया
कि इस वीडियो में जो हुआ कांड, उसके एक अपराधी को पकड़ लिया गया जो एक मुस्लिम है, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ, The main culprit who was part of the mob which paraded women naked and sexually assaulted them in Manipur has been unmasked. तो पता चला कि वो अब्दुल नाम का लड़का दूसरे ही केस में पकड़ा है, जिसके बाद इस न्यूज वाले का बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि टीआरपी के लिए ये इतना गिर गए कि वो सोच भी नहीं सकते कि एक गलती की वजह से क्या हो सकता है। आखिर ये मणिपुर का दंगा सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज के कारण ही फैला था, पर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोर्ट, सभी के सभी इस दंगे को रोकने में फेल हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मुझे माफ करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाया, बल्कि ये वीडियो कई दिनों का रिसर्च के बाद मैंने बनाया है। और मणिपुर के वायलेंस को रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों न्यू अनबिलीवेबल फैक्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।